हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक कटआउट है, जो कि ये हमारा कटआउट है मर्सिडीज बेंज एक्टर्स का, जो कि बॉस का डेनवा लगता है उसका, जो कि 5 पिन है। अगर हमें इसको चेक करना हो विदाउट अल्टरनेटर में लगाइए, अल्टरनेटर ख़राब है या डेनवा ख़राब है, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आपने देखा कि हमने कटआउट को चेक करने के लिए किस तरह से 24 वोल्ट 24 वोल्ट कनेक्शन, इसके कनेक्शन क्या हैं और कैसे हमने इसको फिट किया हुआ है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और इसके कनेक्शन कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। इसको चेक करने के लिए पहले हम कनेक्शन को समझते हैं। जो हमारा अल्टरनेटर रहता है, डेनवा रहता है, उसमें आप देखेंगे जो 2 नंबर पे है, ये हमारा रहता है तबलून का, जो तबलून का लंबा रहता है एनएस का, हमारे जिसकी बैटरी जब ख़राब होती है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि हमारा डेनवा ख़राब है, तो जिससे हमें पता चल जाता है। ये इसका पे होता है 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे हमारे जो रहता है वो इग्निशन स्विच का करंट रहता है, यानी जैसे हम चाबी स्विच ऑन करते हैं तो 3 नंबर पे करंट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है अल्टरनेटर चार्जिंग चालू कर देता है। क्योंकि ये पूरा इसको टेस्टिंग चेक करने के लिए इसके कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इसके कनेक्शन का पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो हमने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड किया हुआ था। तो आपको 2 तार भी लगाने, एक लगाना है लाइट का तार यानी सीरीज़ के साथ 2 नंबर में, इग्निशन स्विच का 3 नंबर पर डायरेक्ट बैटरी से लगा देना आपने। उसके बाद हम आगे आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं किस तरह से आप इसको कटआउट को चेक कर सकते हैं बिना बिना आप अल्टरनेटर में फिट के हुए, जिससे कि आपको रिपेयरिंग में काफ़ी आराम हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को आगे को शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे कनेक्शन बोर्ड लगाने के लिए हम किस तरह से जो है इसमें जो है वायरिंग का तार लगाएंगे। आप देखेंगे ये वाला जो हमारा रहता है, ये होता है माइनस का, इसको मैंने ऑलरेडी लगा दिया माइनस का 24 वोल्ट। ये वाला तार जो है ले जाके ये हमारी बैटरी का माइनस 24 वोल्ट इसके ऊपर लगा, यहाँ पे आपने लगाना। ये जो हमारा डेनवा रहता है अल्टरनेटर, उसकी बॉडी में टाइट होता है जो वाला नट, एक इधर भी रहता है लेकिन ये इधर वाला रखना, जहाँ पे आपका डाइबोर्ड प्लेट में टाइट होता है उसके साथ वाला जो वो माइनस का रहेगा। इसको लगाएंगे, पहले इसको लगा देंगे, फिर जैसा कि सभी लोगों को पता है ये हमारा कितने का, ये 24 वोल्ट का मैन जो बैटरी से मैन आता है ये वो वाला है, ये मैन है। तो हम क्या करेंगे, तार के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप देखेंगे ये 2 नंबर, 1 2 2 नंबर जो पिन रहेगी, ये कहाँ की होती है, हमारी तबलून की, तबलून लाइट की, जो हमारा तबलून में लाइट नहीं चलता उसका ये लाइट है। इसको लगा दिया और ये हमारा बैटरी का डायरेक्ट करंट रहता है 3 नंबर में, तो ये 3 नंबर में लगा देंगे। 3 नंबर में लगाएंगे, आप देखेंगे अगर आपका ये इसके ऊपर आपने लगा रखा अभी तक प्लस नहीं लगाया हुआ मैन पे, मैन तार जो रहेगा, तो आपका जो बल्ब जो है हल्का सा जलेगा, हल्का सा जलेगा तो मतलब यहाँ से आपका माइनस रिटर्न आ रहा है। अभी तक हमने ये वाला हमारा जो बैटरी का 24 वोल्ट ये प्लस का तार है, ये अभी तक हमने ये लगाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले तार को पकड़िए, ये प्लस वाला तार जो है ये बैटरी से जो डायरेक्ट आएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये जो तार है ये इसके ऊपर जैसे भी लगाएंगे तो कोई तेज हो जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लगाना है हमें प्रॉपर लगाने के लिए, इसको प्रॉपर लगाना है यहाँ पर, इसको हमने प्रॉपर लगा दिया। इसमें एक, इसमें 2 तार है, एक बैटरी का डायरेक्ट करंट है और एक हमारा ये डायरेक्ट करंट कटआउट में जाता है जो 3 नंबर पर, ये जिसका रंग है हरे कलर का जो तार रहेगा। अब आती इसको चेक करने की बारी, इसको किस तरह से हम जो है चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्टर लेना है, इस तरह का टेस्टर लेंगे। क्या करेंगे, ये
जहाँ पे हमारा डायोड प्लेट जो होती है अल्टरनेटर में टाइट होती है, डायोड प्लेट, तो वहाँ पे आप टेस्टर का एक तार, एक सिरा जो है लगा देंगे। एक सिरा लगाना, पहले ये देखेंगे आप, इसका टेस्टर एक सिरा लगाएंगे, यानी यहाँ पे लगा देंगे। देखा आपने, हमने टेस्टर का एक सिरा इसके ऊपर लगा दिया। अभी हमें क्या करना है, ये दूसरा वाला जो सिरा बचा, ये सीरीज बन गया, यानी जो बोल्ट हमारा रहेगा उसका सीरीज है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले पे, जो ये हमारा प्लस का रहेगा, आप देखेंगे ये जो प्लस वाला ऊपर, इसमें दो है देखो, ये जो नीचे है इसमें हमेशा माइनस का करंट आएगा। आप इस तरह से जो कटआउट रखेंगे, आप देखेंगे ये नीचे साइड का, इसमें क्या होगा, हमेशा आपको ये वाला जो नीचे वाला, ये हमेशा माइनस का रहेगा, माइनस का रहेगा, और ये ऊपर वाला होता है प्लस का। तो क्या करना, माइनस वाले से तो हमें को मतलब नहीं, अभी चेक करेंगे तो इसके ऊपर माइनस से डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट इसके ऊपर माइनस का करंट आ रहा है। तो हमने जैसे कि आपको बताया, क्या करेंगे, ये डायोड वाले पे हमने फिक्स कर दिया अपने लंबा को। आप क्या करेंगे, अभी देखेंगे ये वाला बल्ब या तो धीमा हो जाएगा, फिर भी आपका कटआउट सही है, मतलब मद्दा होगा। अगर ये बंद हो गया फिर भी सही है। किस तरह से चेक करेंगे, देखो इसके ऊपर हम जैसे टच करेंगे क्या वेल्यू बताता है, ओ बंद हो गया। अब बंद होने के बाद क्या है, बंद हो गया मतलब ये कटआउट हमारा सही है। जैसे हमारी बैटरी फुल चार्जिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ये कटआउट क्या करेगा, हमारे करंट को जो है कट कर देगा या कम कर देगा, दो में से एक काम होता है। ये जो है इसका मतलब ये सही है। इसका वायरिंग एक बार फिर से समझेंगे, ये हमें लगाना है दो नंबर पिन में, जो हमारे बल्ब का तार रहेगा तब लून का, दो नंबर में डायरेक्ट बैटरी का करंट तीन नंबर में लगाना है, तीन नंबर में लगाएंगे, और यहाँ पे लगाएंगे मैन बैटरी का 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट रहेगा, ये 24 वोल्ट के साथ ही ये तीनों तार हमारे लग जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे हमें लगाना है माइनस का, और इसमें लगाना है जिसमें डायोड प्लेट टाइट करते हैं, ये इसमें लगाना है टेस्टर का एक सिरा, या टेस्टर हो या कोई भी आपका बल्ब रहेगा चलेगा, बल्ब ही चलेगा, डायरेक्ट करंट आप सोचिए दे दे 24 वोल्ट तब नहीं होगा। तो अभी क्या करना, हमने ये हल्का सा करंट इसके ऊपर देंगे तो बंद हो जाता है, यानी इसको तकरीबन 5 वोल्ट या 6 वोल्ट करंट चाहिए तो क्या होता है, हमारा चार्जिंग चालू हो जाता है। अब इसको 5 यानी 24 वोल्ट अगर आप देंगे तो ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये कभी भी बल्ब बंद नहीं होगा हमारा। जब बल्ब बंद नहीं होगा तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी, यानी डेनमा में प्रॉब्लम रहेगी। ये क्या है, ये कौन सा लगा रहता है, ये वो बल्ब रहता है जो आपका सबलून में रहता है। सबलून में आपने देखा होगा लंबा चलता है, जब आपका गाड़ी डेनमा चार्जिंग नहीं होता, लाइट आता है और ये वाला बल्ब जल जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।